तो मैंने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट आइडिया रेडी किया है, तो वो आप लोग बहुत इजी है, मतलब उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो प्लीज़ देखना। तो मेरा प्रोजेक्ट का टॉपिक है मिनी सोलर सेट एट द रेट 3000 ओनली, 3000 के अंदर ही आपको सब चीज़ हो जाएगा और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। तो ये क्या है एक्चुअल में, पूरा 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 सेट मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें इंक्लूड रहेगा एक सोलर पैनल, छोटा सोलर पैनल, सबसे सबसे लीस्ट 10 वाट्स का जो आता है, 750 रुपीज़ का आएगा वो सोलर पैनल आपको खरीदना पड़ेगा, और एक चार्ज कंट्रोलर, एक बैटरी और एक डीसी लाइट। हमारा पूरा सोलर में पूरा डीसी रहेगा, कहीं भी कन्वर्टर इन्वर्टर हम यूज़ ही नहीं करेंगे, और एक डीसी का फैन रहेगा, टेबल फैन, जो कि अच्छा खासा हवा देता है और उसकी रेंज रहेगी 15 वाट्स। अब इतने में आप क्या कर सकते हैं, इसको फुल डे यूज़ कर सकते हैं, जब तक डे में क्या रहेगा सोलर पैनल से डायरेक्ट चलेगा पूरा लोड, साथ में बैटरी भी चार्ज होगी, और नाइट में बैटरी रन करेगी आपके लोड को। तो इसकी पूरी डिटेल मैं बताऊंगा, क्या कितने देर तक बैटरी चलने वाली है, बैटरी का बैकअप कितना है, चार्जिंग टाइम कितना लगेगा, और आपको लोड कैसा वेरी करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे घर पे, आप कहीं भी अपने घर पे खाली धूप आती रहे वहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है सन के एकदम पैरेलल में रहेगा तो भी चलेगा, कहीं से भी खाली उसको वार्मनेस मिलनी चाहिए, अच्छा खासा सबसे बढ़िया लूम कंपनी का मिलेगा आपको, लूम कंपनी से ले लो तो 10 वाट का सोलर पैनल 750 रुपीज़ में मिल जाएगा। 750 रुपीज़ में मिलने के बाद तो इसका रेंज है 12 वोल्ट 10 वाट। तो करंट निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मला मालूम है, I=PV, 12/0.8 एम्पियर करंट निकालेगा ये। अभी यहाँ से हम लोग को 0.8 एम्पियर करंट मिल गया, धूप लगी जैसे सोलर पैनल को 0.8 एम्पियर का करंट मिला, वो करंट आएगा चार्ज कंट्रोलर में। अब बेसिकली चार्ज कंट्रोलर बहुत ईजी होता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके अंदर छः नॉच होंगे, तो शुरू के दो नॉच में ऐसे आएगा सोलर पैनल का इनपुट, बीच वाले दो नॉच में आ जाएगा आपका बैटरी, और लास्ट के दो नॉच चले जाएंगे लोड को। लोड को आप दो नॉच से पैरेलल लगा के कितना भी कर सकते हो, वोल्टेज सेम रहेगा, खाली करंट में वेरी होगा बस। तो अब देखते हैं हमारे लोड क्या करेगा। सबसे पहले लोड की बात करेंगे, तो लोड में एक डीसी लाइट रहेगी, वो आपको मिल जाएगी 100-125 रुपये के अंदर, 10 वाट की लाइट मिल जाएगी, और उसके साथ में एक फैन रहेगा 15 वाट का, बहुत अच्छा फैन रहेगा, वो हवा भी आपको अच्छे खासे टेबल से अच्छा हवा दे, टेबल फैन से अच्छा हवा दे देगा। वो मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया है, आपको एक अगले वीडियो में मैं उसके प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, अभी आपको मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ। तो ये 15 वाट है, 10 वाट है, टोटल देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन किया हूँ, जो टोटल हमारा लोड है उसका पावर होगा P total equals to P of light, पावर ऑफ लाइट प्लस पावर ऑफ फैन। पावर ऑफ लाइट कितना है 10 वाट्स, और पावर ऑफ फैन है 15 वाट्स, 10 वाट्स प्लस 15 वाट्स 25 वाट्स। तो अपना टोटल 25 वाट्स का लोड है, और अपने को रन करना है चार्ज कंट्रोलर से। तो पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा लोड करंट मेरा कितना है, अगर जो मैं लोड को चालू करूंगा तो मेरा कितना करंट कंज्यूम करेगा वो। तो लोड को ऑपरेट होने के लिए मुझे चाहिए IL=PV लगाया, तो 25 लोड है हमारा, और सर्किट का वोल्टेज तो चेंज होगा नहीं क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो 12 वोल्ट उसको डिवाइड किया मैंने, तो आ गया मेरा लोड 2.08 एम्पियर का, 2.08 एम्पियर का लोड आ गया। तो अब देखो समझ जाओ दिन में जो ऑपरेट हो रहा है हमारा, तो यह 10 एम्पियर का करंट रहेगा, और उसको 2.08 को चलाना रहेगा, यहाँ से निकल रहा है 10 एम्पियर और यहाँ पे जाएगा 2.08 एम्पियर चाहिए इसको सिर्फ। तो समझ लो लाइट भी एकदम तेज चलेगी, पंखा भी बहुत फास्ट चलने वाला है पूरे दिन जब तक धूप रहेगी। अब सवाल आता है धूप जाने के बाद का क्या होगा, धूप जाने के बाद के लिए मैंने बैकअप का सिस्टम लगा दिया। बैकअप के सिस्टम में सबसे पहले इंक्लूड होगी एक बैटरी, बैटरी रहेगी मेरी, बैटरी का रेंज मैंने रखा है 12 वोल्ट और 12 एम्पियर हार। अब आपको मालूम होगा कि बैटरी है, आप देख सकते हैं ये इसका रेंज है 7.2 एम्पियर हार, ये देखो 12 वोल्ट 7.2 एम्पियर हार। तो इस बैटरी में क्या होता है, नॉर्मली ये बैटरी आपको बाइक में मिल जाएगी, बाइक्स में लगी होती हैं सेल्फ के लिए, और कार बैटरी रहेगी वो भी सब चलेगी, आपको 12 वोल्ट रहना चाहिए रेंज, करंट एम्पियर हावर जितना ज़्यादा रहेगा उतना और टाइम के लिए आपको देगा। तो आपको सबसे पहले समझाना पड़ेगा बैटरी का रेंज में जो AH लिखा रहता है वो क्या होता है। तो बैटरी कोई भी रहेगी नॉर्मली, उसमें एक AH का लिखा रहता है, जैसे देखो अपने मोबाइल में 4000 mAh मतलब मिली एम्पियर हावर, लेकिन अभी हम लोग को मोबाइल की बैटरी तो छोटी होती है, अपने को बड़े बैटरी बड़ा गेम खेलना है, बड़ा गेम खेलने के लिए अपने को ज़्यादा बैटरी चाहिए। तो 12 AH का मतलब हुआ 12 एम्पियर, इतने करंट को 12 एम्पियर वाले इतने लोड को एक घंटे तक रन कर सकता है जो बैटरी, उसका रेंज होगा 12 AH। तो अपना लोड कितना है 2.08, तो मुझे देखना पड़ेगा अगर जो 12 वोल्ट को एक घंटे चलाता है तो मेरे 2.08 एम्पियर वाले लोड को कितने घंटे चलाएगा। तो इसके लिए सबसे इजी कैलकुलेशन करेगा, सीधा 12 / 2.08 कर दो, यहाँ मैंने वो किया है 12 एम्पियर 2.08 एम्पियर। अब आपको देखना है क्या एम्पियर गेट कैंसिल, आपका हावर सिर्फ बचेगा, तो 12 / 2.08 5.76 हावर। मतलब अगर जो आपको लाइट और पंखा दोनों चाहिए, समझ जाओ 6 बजे आपकी धूप खत्म हो गई, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक कंटिन्यू आपको पढ़ना है, अगर जो पढ़ाई करना है तो अपने टेबल फैन, अपने स्टडी टेबल पे अपना लाइट 10 वाट की लाइट बहुत अच्छी खासी रोशनी देगी पढ़ने के लिए और बाकी काम के लिए, और एक फैन आपके टेबल पे लिए 3000 रुपये आप खर्चा कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हो अपने लाइफ में। और ये एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, सोलर पैनल एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आपने एक बार खर्चा कर दिया तो फिर आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 2-3 साल आपकी बैटरी का, मैंने जो बैटरी खरीदी है 12 एम्पियर की उसकी वारंटी है 2 साल की, 2 साल में उसको कुछ भी हो डैमेज होता है तो मैं उससे वारंटी ले सकता हूँ। सोलर पैनल की वारंटी 5 साल की आती है एक 10 वाट का सोलर पैनल लिए तो। चार्ज कंट्रोलर में एक और फायदा सबसे बड़ा आपके लिए बताऊंगा मैं, कि बाई चांस लाइट चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया, आपकी फ़ोन चार्ज नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यार फोन चार्ज नहीं है तो मतलब अब सीन बदल गया। तो आजकल के जो ल्यूमिनस का मैंने लिया है, ल्यूमिनस का 10 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर, उसमें आपको एक USB भी लगा मिलेगा, उस USB से आप 5 फोन चार्ज कर सकते हो, एक दो नहीं 5 फोन चार्ज कर सकते हो आप। तो एक इतने 3000 के सेट में आपके 3 फायदे हो गए, एक आपको लाइट मिल जाएगा पूरे दिन, फैन पूरे दिन,
और पूरा दिन खत्म होने के बाद रात में बैटरी से 6 घंटे मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा एम्पीयर की अगर चाहिए रहेगी बैटरी और बढ़ा दो तो और टाइम आपको मिल जाएगा। और इसका और सबसे बढ़िया बेनिफिट है, इस पूरे वायरिंग कनेक्शन में आप पकड़ के सो भी जाओगे वायर को तो भी करंट कहीं नहीं लगने वाला है, ना शॉर्ट सर्किट का टेंशन ना करंट का टेंशन, और बहुत ईजी और बेसिक है और इसमें दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कनेक्शन कैसे करते हैं, मेजरमेंट और लोड आपको मैं डायरेक्ट रन करके दिखाऊंगा। तो मैंने जितने सारे इसमें सामान लेने हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो अमेज़न से और घर पे बैठे बैठे आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हो इस चीज़ से। थैंक यू।